हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एल कैमिनो अ ब्रेकिंग बैड मूवी। ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल फिल्म है और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2019 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विंस गिलिगन ने। ये मूवी ब्रेकिंग बैड का सीक्वल है, तो इस मूवी को देखने से पहले आपको ज़रूर ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज़ ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेकिंग बैड का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रेकिंग बैड का रिव्यू का लिंक मिल जाएगा। और मैं इस फिल्म में थोड़ा सा स्पॉयलर देने वाला हूँ। मैं अब थोड़ा बात करूँगा विंस गिलिगन के बारे में। विंस गिलिगन जो इस फिल्म एल कैमिनो और इसका प्रीक्वल ब्रेकिंग बैड, और ब्रेकिंग बैड का भी एक प्रीक्वल है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल, उसका रिव्यू भी हम कुछ ही दिनों में करेंगे। ये तीनों पार्ट का ही डायरेक्टर है। तो विंस गिलिगन का लेवल में देख के हैरान हो गया कि ये पूरा ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स का डायरेक्टर भी है, इसका राइटर भी है। मतलब ब्रेकिंग बैड जो एक मास्टरपीस है, और बेटर कॉल सॉल वो भी एक मास्टरपीस है, और एल कैमिनो ये तो एक बहुत ही अच्छा मूवी है। मतलब ये तीनों फिल्म का राइटर है और इसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया है रियली उसको बहुत ही काबिल तारीफ बात है। एक चीज़ में समझा कि ये जो स्टोरी है बेटर कॉल सॉल, ब्रेकिंग बैड और एल कैमिनो का, ये पहले ही डिसाइड किया हुआ था, फिर वेब सीरीज़ को बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वेब सीरीज़ बनाते बनाते नेक्स्ट क्या होगा ये सोचा गया है, ये नहीं। पहले स्टोरी को पूरा रेडी किया गया था इन पहले दो वेब सीरीज़, बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड का और एल कैमिनो मूवी का, फिर इसका वेब सीरीज़ और मूवी को बनाया गया है। अब मैं एल कैमिनो का थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँगा। पहले मैं इसका थोड़ा स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ज़्यादा स्पॉयलर नहीं देना चाहता, थोड़ा सा स्पॉयलर दूंगा। ब्रेकिंग बैड जिधर ख़त्म होता है एग्जैक्ट वहाँ से शुरू होता है एल कैमिनो। एल कैमिनो पे आपको दिखाया जाएगा कि जेसी पिंकमैन कैसे उसका आइडेंटिटी चेंज करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। मतलब वो करंट जहाँ पे है उधर से आइडेंटिटी चेंज करके एक नया जगह पे पूरा शिफ्ट हो जाता है और उसका जो ड्रग डीलिंग है ये छोड़ देता है। इसका एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता हूँ। इसका एग्जीक्यूशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्टोरी में ज़्यादा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है नहीं, पूरा एक ही फ्लो में चलता रहता है। तो इसका हर एक पार्ट को समझने के लिए, हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको तो ब्रेकिंग बैड देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकिंग बैड का कैरेक्टर सी यहाँ पे है। और कभी कभी फ्लैशबैक में जाके कुछ चीज़ जो ब्रेकिंग बैड में नहीं दिखाया गया है उस चीज़ों को, उन सीनों को यहाँ पे एल कैमिनो पे दिखाया गया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेसी पिंकमैन का जो बिहेवियर है पहले जो था ब्रेकिंग बैड पे, वो कैसे पूरा बदल गया है, पूरा कैसे चेंज हो गया है। और यहाँ पे आपको वायलेंस भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इसका स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँगा। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, एंगेजिंग है, ब्रेकिंग बैड जितना उतना टाइट तो मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात करें तो ब्रेकिंग बैड में जो कैरेक्टर्स था यहाँ पे वही कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट सेम ही है। एक्टिंग का बात करें तो एक्टिंग सबका बहुत ही अच्छा है, ब्रेकिंग बैड का जितना सेम ही है यहाँ पे एक्टिंग। और यहाँ पे मैं एक ही नेगेटिव चीज़ मुझे लगा कि 2013 में ब्रेकिंग बैड ख़त्म किया गया था और 2019 में एल कैमिनो का शूटिंग किया गया था। इसका मिडिल पे जो 6 ईयर का गैप आ गया है, उस गैप पे जो कास्ट्स है उसका थोड़ा फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो गया सब। मतलब कोई मोटा हो गया, कोई थोड़ा बूढ़ा हो गया है। तो 2019 में शूटिंग करके वही चीज़ दिखाया गया है जो 2013 में ख़त्म हुआ था, मतलब वही चीज़ों को जोड़ा गया है। तो 2013 में जो कास्ट था, 2019 में थोड़ा उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है। और मेकअप भी उतना अच्छा नहीं है, जैसे एक जगह पे अगर वॉल्टर को दिखाया जाएगा जो 2013 में जब वॉल्टर और जेसी एक साथ था उस टाइम का वॉल्टर का जो लुक था, और यहाँ पे जो लुक बनाया गया है टाइम पीरियड सेम दिया गया है मगर शूटिंग अलग अलग टाइम में हुआ है, इसलिए वॉल्टर थोड़ा डिफरेंट हो गया है उसका लुक। और यहाँ पे जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा चेंज हो गया है वो है टॉट का कैरेक्टर। मतलब ब्रेकिंग बैड में आप जो टॉट को देखेंगे यहाँ पे आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो टॉट है। तो एल कैमिनो में ब्रेकिंग बैड का टाइम का ही दिखाया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंट हो गया, थोड़ा मेकअप अच्छा हो सकता था। ओवरऑल बात किया जाए तो ये फिल्म मुझे फैंटास्टिक लगा। कैमरा का काम का बात करें, BGM का बात करें, एडिटिंग, हर एक जगह से ये फिल्म बहुत ही अच्छा है। इसका एंडिंग का बात किया जाए तो इसका एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, अच्छा लगा मुझे इसका एंडिंग देख के। इसके बाद हमारा चैनल पे हम बेटर कॉल सॉल का भी रिव्यू करेंगे, इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।